नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप सिंह राजपूत आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं इंडियन डिस्कवरी 92 में। और आज यहां पर बलोत्रा में रेवाल चाल थी, तो आप ये देख सकते हैं कि ट्रैक का नज़ारा आज किस तरीके का है। आज ट्रैक पे सबसे ज़्यादा लोग इकट्ठे हुए हैं क्योंकि रेवाल चाल का यहाँ पर लोगों में बहुत क्रेज़ रहता है। यहाँ पर एक से एक सिंधी घोड़े इस रिंग के अंदर इस ट्रैक के ऊपर आते हैं और अपनी चाल दिखाते हैं। कुछ ही देर में यहाँ से सिंधी घोड़ों की चाल स्टार्ट होगी और उसके बाद में आपको पता लगेगा कि किस तरीके के घोड़े यहाँ पर रिंग में ट्रैक पर भागेंगे। और आप ये देख सकते हो कि कल जहाँ पर कोई जगह खाली हुआ करती थी, आज वो पूरा स्टेडियम भरा हुआ है। और ऐसा नज़ारा मेरे को लगता है कि पिक्चर हॉलों में ही रहता है। और पिक्चर हॉल तो छोटे पड़ जाते हैं, पर ये मेरे को लगता है कि यहाँ पर लगभग मेरे को लगता है कि 2-3 हज़ार लोगों का क्राउड यहाँ पर होगा अभी लगभग। आप ये देख सकते हो यहाँ पर जनता ऐसे आई हुई है जैसे यहाँ पर मोदी जी आ रहे हो रैली में। बाकी ये रैली की जनता नहीं है, ये हॉर्स लवर, चाल देखने वाले लवर, सिंधी घोड़ों से प्यार करने वाले लोग यहाँ पर आए हुए हैं। अभी कुछ ही देर में यहाँ पर सिंधी घोड़ों की चाल स्टार्ट होने वाली है और आप ये देख सकते हैं सब जगह आपको लोगों का झुंड ही झुंड दिखाई देगा। कोई ट्रक पे बैठा हुआ है तो आप ये देख सकते हैं कि कोई उधर ट्रक पे बैठा हुआ है। कुछ लोग तो यहाँ तक किए कि पेड़ पे भी लटके हुए हैं कि थोड़ा ऊपर से अच्छा नज़ारा दिखाई दे, इसलिए कुछ लोग पेड़ पे भी लटके हुए हैं। और इस तरीके का यहाँ पर आज नज़ारा है। हम आपको रोजाना यहाँ के नज़ारे दिखाते रहते हैं, पर आज का नज़ारा यहाँ पर बहुत अद्भुत होने वाला है। कुछ ही देर में चाल स्टार्ट होगी, चाल के बाद में हम आपको बताएंगे किस किस तरीके के घोड़े यहाँ पर आए हुए हैं। और इसी वीडियो में हम चाल का वीडियो जोड़ के आपको बताएंगे कि किस तरीके की चाल है, कितने क्या घोड़े उस चाल में शामिल हुए। चाल का नज़ारा थोड़ा सिस्टमेटिक नहीं है, कोई भी कभी भी बीच में आ जाता है। बाकी हम आपको थोड़ी सी झलक दिखाने की कोशिश करी, बाकी हमको फाइनल कौन जीता उसका हुआ तो हम आपको वीडियो इसमें ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो किस तरीके से लोगों की भीड़ है, सारे लोग ट्रैक पे आ जाते हैं तो शूट करना बहुत मुश्किल भरा हो जाता है। और ट्रैक भी बहुत लंबा है, जूम करना भी इतना आसान नहीं है। बाकी देखते हैं कि राउंड फर्स्ट था या क्या था, वो आपको बताते हैं अगले। आप देख रहे हैं दोस्तों, ये दूसरा राउंड है, ये चाल का दूसरा राउंड है। वहाँ से घोड़े छूट चुके हैं और देखते हैं यहाँ पर कौन सा घोड़ा जो है विनर होता है।
और भी पीछे घोड़े आ रहे हैं जो पीछे रह गए हैं। ये था सेकंड राउंड जो आप देख रहे हैं, इससे पहले फर्स्ट राउंड था, ये सेकंड राउंड। बगड़ता है विजेताओं को दौड़ाया जाएगा और फिर सेलेक्ट होगा कि विनर कौन बनेगा। और ये फाइनल राउंड है, आप जो देख रहे हैं की रिंग का रिंग बन चुका है। और ये घोड़े का नाम क्या है? बाज 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 ब